हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने सन 2022 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। सन 2021 के पेपर पे स्टार्ट करेंगे। ओके, सन 2021 के पेपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन रहेगा सन 2021 के पेपर में, हम जूलॉजी बॉटनी सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। 5 क्वेश्चन जूलॉजी के, 5 क्वेश्चन बॉटनी के और 10 क्वेश्चन रखेंगे। और जो सबसे पहला इसमें स्टेटमेंट है उसमें इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। क्या जो पिरामिड होता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम का वो हमेशा अपराइट बनता है? तो हाँ, ये ऑप्शन सही है। जो पिरामिड होता है ग्रास लैंड का वो हमेशा अपराइट बनता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी पूछा गया है। ओके, समुद्र में इज जनरली इन्वर्टेड, वो ज्यादातर इन्वर्टेड होता है, नीचे की तरफ होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, डाउनवर्ड होता है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास सी लेवल इज जनरली, वही जो है। अगर ये सही है तो ये तो रॉन्ग होगा ना, तो ये इसमें रॉन्ग पूछा था, तो यही ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो सी सी होता है उसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास का बनता है वो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है ऑलवेज अपराइट होती है। ओके, ये याद रखिएगा ये सारी चीजें। बायोमा एनर्जी का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा अपराइट बनता है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो होती है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जब ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी हो जो होती है बर्न हो जाती है। इसके बाद इसको याद रखिएगा, जो समुद्र में बायोमास का पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम में वो अपराइट बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, सी, इनकरेक्ट पूछा था। ओके, ये मैंने पिक्चर दिखाया है जो अपराइट है बायोमास का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, और इन्वर्टेड दिखाया है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जो छोटी छोटी मछलियां होती है उनका वेट जो होता है कम होता है, लेकिन जो हर्बीवोर्स मछलियां होती हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, जो कार्निवोर्स मछलियां होती हैं उनका वेट सबसे ज्यादा होता है। और अगर बायोमास का देखा जाए तो जो ग्रासेस होती हैं उनका वेट कम होता है और जो उनका ज्यादा होता है, अगर उनमें देखा जाए तो उनकी जो वेट अगर लिया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर हर्बीवोर्स की जो बायोमास में देखा जाए तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसके बाद इसका कम हो जाएगा, इसके बाद कार्निवोर्स के अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके इसीलिए बायोमास का जो पिरामिड होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो राइटवर्ड बनता है, और सी वाटर में कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, मोनोसियस पूछा गया है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो मोनोसियस होता है, एक लिंगी पूछा गया है। ओके, तो मेल और फीमेल मतलब एक लिंगी दो जो होते हैं वो सेम ही प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, मोनोसियस। तो इसमें कुछ जो प्लांट्स के नेम दिए गए हैं कुछ उनके उसमें से देखकर बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। जैसे साइकस दिया गया है सर्सिनालिस, ओके, और कार्सिका पपाया कारा, इसके बाद क्या है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ये चार नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा मोनोसियस होता है। तो साइकस सर्सिनालिस जो होता है वो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, वो डायोसियस एनिमल होते हैं। कार्सिका पापाया जो होता है इसमें भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इसके बाद मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा इसमें भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। कारा जो होता है इसमें मेल फीमेल एक ही प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, इसीलिए मोनोसियस एनिमल होते हैं। ईच फ्लावर हैज दियर ओन जेंडर, ओके, इसमें जितने भी फ्लावर ग्रो करते हैं वो अपना अलग जेंडर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पे देख जाते हैं। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज, जो सोरगम होता है सोरगम में फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट ऑफ CO2 होता है फिक्स्ड होता है उसे क्या बोला जाता है। ओके, उसका नाम पूछा गया है सोरगम में जो फिक्स्ड होता है कौन सा प्रोडक्ट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है कि पाइरुविक एसिड है कि ऑक्सैलिक एसिड होता है कि सक्सिनिक एसिड होता है। तो सोरगम किस में आता है, C4 साइकिल में। देखो तो C4 साइकिल में क्या बनता है, ऑक्सैलिक
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सी फोर प्लांट के बारे में। मैंने इतनी बार बताया है, वो प्रीवियस फर्स्ट सन 2023 के पेपर में भी बहुत अच्छे से बताया है, सन 2022 के पेपर में 3 4 बार बताया है, और सन 2021 का पेपर भी में भी ये है फिर से पूछा गया है, सोर्गम जो होता है उसके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं डायडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड। डायडेल्फस स्टेमन के बारे में भी बहुत बार बताया गया, डायडेल्फस स्टेमन के बारे में तो इतनी बार ये पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया कि इसके बारे में डिटेल इतनी बार हो गया है, एक दो बार नहीं काफी बार डिटेलिंग हो गई है। तो पहला जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा जो होता है वो डायडेल्फस प्लांट का एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, तो चाइना रोज एंड सिट्रस। चाइना रोज सिट्रस जो होता है वो डायडेल्फस प्लांट नहीं होते हैं, चाइना रोज वो भी डायडेल्फस प्लांट नहीं होते हैं, सिट्रस ये भी डायडेल्फस प्लांट नहीं है, पी जो होता है ये डायडेल्फस प्लांट होता है। मोनोडेल्फस प्लांट में सिंगल जो होता है फिलामेंट होता है। ओके, इसमें जो होता है ये फिलामेंट जो होते हैं डिवाइडेड हो जाते हैं, इसमें एक बंच में ग्रो करता है पॉली में, और सिन जो सिनेसियस में क्या होता है एक बंच में फिलामेंट जो होता है उसके फ्लावर से अटैच्ड होता है, और इसमें सारी ही चीजों से अटैच्ड होता है ये फिलामेंट। फिफ्थ देख लेते हैं, फाइव नंबर पे आ जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर्स एज। इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में बहुत अच्छी सी मुझे ये पिक्चर दिखी थी, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले लिया इसको। ये इसका पूरा फॉर्मूला है और इसका स्ट्रक्चर है मॉलिकुलर, तो देख लेते हैं। द स्ट्रैंड्स कंसेंट्रेशन यूज्ड इन स्टेनिंग डीएनए, कितना कंसेंट्रेशन यूज किया जाता है डीएनए के स्टेनिंग में जेल, कितना 0.5 to 1 mg होता है। और इसके बाद इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है फ्लोरेसेंट डाई होती है जो इंटर कैलकुलेट होता है बिटवीन बेस एंड न्यूक्लिक एसिड के बीच में, एंड अलाउ द कन्वीनियंट डिटेंशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन जेल। और ये पूरी तरीके से एक जो डिटेक्ट करता है, देख सकते हैं जो जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट है उनको डिटेक्ट कर देता है अलग अलग। इंसर्टेड इटसेल्फ बिटवीन बेस पेयर एंड डबल हेलिक्स। तो इसमें कौन सा कलर देता है ये पूछा गया है, इसमें कलर तो नहीं बताया गया कौन सा कलर देता है ना, इथिडियम ब्रोमाइड कौन सा कलर देता है ये पूछा गया है, तो ये देता है ब्लू, देता है ब्राइट ब्लू बैंड फॉर्म करता है, येलो बैंड की, ब्राइट ऑरेंज बैंड की, डार्क रेड, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं तो ये कैसे बनता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड बनाता है। ओके, बैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है स्टिमुलेट करता है आरबीसी फॉर्मेशन को, कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है ये पूछा गया है। तो ये प्रोड्यूस्ड होता है कहाँ से, जस्ट ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी से, कि अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज से, कि सेल ऑफ द रोस्टल एंड सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस से, कि द सेल ऑफ द बोन मैरो से। तो इसमें से किससे ये रिलीज होता है, जो कि जो इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन होता है जो कि कहाँ से स्टिमुलेट होता है आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है जस्ट ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी से। इरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है वो किडनी से प्रोड्यूस, अगर इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी को, आरबीसी के प्रोडक्शन में प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस होता है खुद जो एडल्ट होते हैं उनकी किडनी से, और लीवर लीव और ये जो होता है किडनी में पेरिट्यूबल जो सेल होती है जो प्राइमरली वो रीनल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है वहां से प्रोड्यूस होती है, कौन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है, अगर जस्ट ग्लोमेरुलर जो होता है किडनी में पाया जाता है वहां से ही प्रोड्यूस होता है, और ये डिक्रीज करता है ऑक्सीजन डिलीवरी को। ओके, ऑक्सीजन डिलीवरी को डिक्रीज भी कर देता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, बस इतना जाने, इसमें पूछा गया है कहाँ से वो प्रोड्यूस्ड होता है। ये देख सकते हैं जक्स्टा, ये इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन जो होता है ये बोन मैरो से
इसमें जो रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इंडोथीलियल सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मसल्स प्रोजेनिटर सेल्स की तरह काम करता है, प्रोटेक्टर और रिजेनरेटर में हेल्प करता है मसल्स के, व्हाइट फैट जो होता है उसके प्रोटेक्टर में, ओबेसिटी और ऑक्सीजन कंजप्शन और माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस और एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह वर्क करता है, ब्रेन में जो होता है प्रोटेक्टिव आइज़मिया या इंजरी जो हो जाती है उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है, हाइपोक्सिया जो हो जाती है प्री कंडीशनिंग होती है एपिटाइट के उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच इज करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ओके इनकरेक्ट पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन जो सही रहता है ना हम जल्दी से लगा के चले जाते हैं, तो इसमें इनकरेक्ट को कौन सा इनकरेक्ट होगा किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्स बियर अ पेयर ऑफ द एनल सरसी, जो 10th एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो क्या रखता है, बोथ सेक्सेस बियर अ पेयर ऑफ एनल सरसी, तो ये तो हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, तो यहाँ पे मिड गट नहीं फोर गट होना चाहिए, ओके फोर गट एंड मिड गट। ओके सेकंड क्या बोल रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा बी ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, हाइपोफायरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय माउथ, ये भी सही है। इन फीमेल 9th एंड 7th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनाइटल पाउचेज, ये भी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा जो फीमेल होती है उसमें 9th और 10th जो स्टर्ना होती है वो फॉर्म करती है जेनाइटल पाउच, और मेल जो होते हैं यही जो होता है एनल सरसी जो होता है मेल और फीमेल को अलग करती है, ये केवल मेल में पाई जाती है एनल सरसी, बाकी फीमेल में ये एनल सरसी नहीं देखने को, इसमें जेनाइटल पाउचेस देखने को मिलते हैं। नंबर 8 पे आ जाते हैं, सकस इंटेरिकस इज रिफर टू एज, सकस इंटेरिकस किससे पाया जाता है। ओके तो सकस इंटेरिकस काइम का पार्ट होता है कि पैंक्रियाटिक जूस का, कि इंटेस्टाइनल जूस होता है, कि गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होता है, तो सकस इंटेरिकस जो पार्ट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट होता है, जो सकस इंटेरिकस देखने को मिलता है कहाँ का, इंटेस्टाइन का। ओके ये इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट होता है, सकस इंटेरिकस से रिलीज होती है इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 9। ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि काफी लोगों को तो ये कंफर्म हो गया होगा। व्हिच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज शोस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज़मा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीटस। ओके कौन सी स्टेज होती है मियोटिक फेज की जो कि शो करती है टर्मिनलाइजेशन किसमें, मियोसिस में, मियोसिस में, तो वो लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है कि जाइगोटीन होती है कि कीज़मा होती है, तो ये जाइगोटीन स्टेज जो होती है इसमें वो टर्मलाइजेशन शो करती है, जाइगोटीन स्टेज जो होती है वो टर्मलाइजेशन शो करती है। ओके सॉरी डाइकाइनेसिस, मैं जाइगोटीन बोल रही हूँ करेक्ट किस पे लगाई हूँ, डाइकाइनेसिस पे, देख रहे हैं डाइकाइनेसिस जो होती है वो करेक्ट ऑप्शन है डाइकाइनेसिस। तो अगर देख लेते हैं लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर इनवेलप इनमें देखने को मिलता है, लेकिन क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं, सीनैप्स बिगन होते हैं, सीनैप्स फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, सीनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनना, मतलब सीनैप्स जो होते हैं पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद पैचिटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम आर फुली स्नैप्ड एंड क्रॉसिंग ओवर बिगिन, यानी यहाँ पे क्या होता है क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। ओके और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं पूरी तरीके से क्या होते हैं सिनैप्टिक स्टेज में होते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम में क्या होते हैं क्रॉसिंग ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होते हैं,
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है टू डिसिपियर, और कीजमा जो है पूरी तरीके से विजुलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया, जब यहाँ पर कीजमा पूरी तरीके से विजुलाइज हो जाएंगे तो कीजमा का जो टर्मिनलाइजेशन होगा वो यहाँ पे होगा डाइकाइनेसिस में, फर्दर क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्शन और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीजमा डाइकाइनेसिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 10 पे आ जाते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली, एल्वियोली में जो पार्शियल प्रेशर होता है किसमें, किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कितना होता है ये पूछा गया है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ट्रैकिया होती है उसमें इंस्पायरेशन एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159.9 से, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 0.03, और एक्सपायरेशन में कितना होता है O2 का 116 mm Hg एंड CO2 का 32 mm Hg होता है। एल्वियोली में 104 mm Hg होता है O2 का, और CO2 को होता है 40 mm Hg। अगर बात करें ये जब जो ब्लड ट्रांसफर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो इसमें जो SO2 का कंसेंट्रेशन होता है 95 mm Hg होता है, और ये CO2 का 40 mm Hg होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का जो कंसेंट्रेशन होता है 40 mm Hg होता है, और सॉरी 46 mm Hg होता है CO2 का, और O2 का 40 mm Hg होता है। तो ये इसका पूरा पार्शियल प्रेशर जितने होते हैं रेस्पिरेटरी में वो मैंने पिक्चराइजेशन के थ्रू बता दिया है। ये एल्वियोली जो होता है गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यहाँ पे O2 लोडेड होता है और CO2 अनलोडेड होता है, और गैस ट्रांसपोर्ट में O2 कैरीड फ्रॉम द एल्वियोली टू टू सिस्टमैटिक टिश्यू एंड CO2 कैरीड फ्रॉम सिस्टमैटिक टिश्यू टू द एल्वियोली, एंड सिस्टमैटिक गैस में क्या होती है O2 अनलोडेड होता है और CO2 लोडेड होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्वियोली के बारे में पूछा गया है, एल्वियोली के बारे में कि एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो एल्वियोली ये रहा आपका एल्वियोली का पार्ट, इसमें कितना गया 104 to 40, 104 to 40, ओके 104 O2 का होता है और CO2 का कितना 40 होता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कल हम लोग मिलेंगे फिर से 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं सन 2021 का पेपर, और ये सीरीज है किसकी, नीट प्रीवियस ईयर पेपर की। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कल हम लोग फिर से मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प हो सके, और हेल्प करने से शायद आपकी भी हेल्प हो, आप उनसे उसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं तो उसी क्वेश्चन को दोबारा उनसे पूछ सकते हैं, तो ये इससे माइंड माइंड में वही क्वेश्चन जो होता है सेट हो जाता है। तो ऐसी जानकारी के लिए मतलब एक टॉपिक उठाइए उस पर जो है वो आप डिस्कस कीजिए, तो इससे जो होता है वो टॉपिक क्लियर होता है। तो आप लोगों को कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।